बेटा। हेलो हाँ जी, माइक ऑन कर लेना बेटा। कौन बताएगा बेटा? व्हाट बेटा, मीन बाय डेटा? हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा डेटा के बारे में? आपने देखा? एनीवन फ्रॉम अलेजेंड्रो? यस, कलेक्शन ऑफ बैक एंड इंफॉर्मेशन। डेटा का मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंटर अच्छा, बेसिकली क्या होता है? डाटा इटसेल्फ इज इंफॉर्मेशन, राइट? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। आजकल एक और डाटा यूज होता है ना, मोबाइल डाटा, राइट? वो भी होता है जी। उसका क्या मतलब होता है? इज दैट आल्सो इंफॉर्मेशन? डेटा हाँ जी, हाँ जी, दैट मोबाइल इंफॉर्मेशन। यस बच्चों, कौन रिप्लाई करेगा, कौन बताएगा? हम कहते हैं ना, डाटा पैक ले ले, वो डाटा पैक, डाटा खत्म हो गया, डाटा इतना पेंडिंग पड़ा है, 2 GB है, 3 GB है, यस और नो? ठीक है, तो उसमें और इस वाले डाटा में क्या डिफरेंस है बेटा? देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, राइट? वहां पे जो डाटा हम यूज कर रहे हैं और ये, सो दैट इज मीन्स दैट मच डाटा, द इंफॉर्मेशन, जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करते हैं ना, तो जो 1 GB, व्हेन आई से 1 GB डेटा, मीन्स अराउंड 1 GB ऑफ डेटा, दैट इज 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय यूज ऑफ दैट डाटा इन मोबाइल सिस्टम और आपका कंप्यूटर सिस्टम। इज दिस क्लियर? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों डाटा की, डाटा इज इंफॉर्मेशन। चलिए हम फटाफट से एक एक्टिविटी करते हैं, राइट? देखिए बच्चों, ये देखिए, यहाँ पे हमने एक डाटा लिया है बेटा। इज अ मार्क ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। सबको नजर आ रहे हैं बेटा मार्क्स? नहीं यस और नो? इज दिस डाटा नॉट? इज नहीं डाटा और नॉट? कैन नहीं बी ऑर्गेनाइज दिस डाटा? नहीं कैसे करते हैं बेटा ऑर्गेनाइज, कौन बताएगा मुझे? दिस इज ए इंफॉर्मेशन। नाउ इंफॉर्मेशन को जब हम यूजफुल फॉर्म में बनाते हैं, इज दिस इंफॉर्मेशन, एक क्लास है बच्चे 30 स्टूडेंट्स की, उनका कोई एक मैथ का टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, तो ये सब बच्चों के मार्क्स हैं। नाउ मार्क्स तो यहाँ पे आ गए सबके, बट इज दिस डाटा रेलेवेंट? कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा ये डाटा? इससे हम कुछ समझ पा रहे हैं डाटा से? नो नो इस डाटा को यूजफुल बनाने के लिए वी मेक दिस डाटा ऑर्गेनाइज, राइट? डू यू नो हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा? सही यस है यस, तो बच्चे वी मेक है, क्या बनाते हैं बेटा हम? हाँ जी, क्या बनाते हैं बेटा डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए? टेबल। टेबल ये क्या होता है? दिस इज क्लास मार्क्स, और यहाँ पे क्या होते हैं? मार्क्स, पहली टेली बार मार्क्स बनाने आते हैं बच्चे। यहाँ से सही जीरो से स्टार्ट हो रहा है डाटा, जल्दी से बनाइए जरा। कैलकुलेट द टेली मार्क्स फॉर ऑल द नंबर्स, जल्दी से प्लीज डू इट बेटा। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रंट बेंचर और विंडो सेक्शन, प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट इट। सेकेंड बेंच ऑल्सो, एवरी वन शुड ऑर्गेनाइज दिस डाटा। बच्चे आपने दो चीजें लेनी है, क्लास मार्क्स और टेली मार्क्स। टेली मार्क्स आपको लिखने आते हैं बेटा? सही होता है तो इट इज वन, व्हेन इट इज टू, थ्री, फोर एंड फाइव। इज दिस क्लियर? व्हेन यू हैव टू टेक सिक्स, दिस इज फाइव, वन टू, लाइक दिस। जल्दी से ऑर्गेनाइज कीजिए बच्चों डाटा को। है।
हाँ हाँ जी, हो गया बच्चों ऑर्गेनाइज। बेटा एरिस्टोटल सेक्शन, सम ऑफ द स्टूडेंट आई कैन सी आर नॉट डूइंग, सबको विजिबल है ना बेटा? हाँ जी बच्चों, जीरो कितने आए हैं? हाँ ओनली वन जीरो इज देयर। हाउ मेनी टू वंस? वन इज देयर। हाँ हाउ मेनी टू? वन, थ्री हाउ मेनी थ्री? वन ओनली। हाउ मैनी फोर? टू हाउ मैनी फाइव? सॉरी सॉरी सॉरी, समवन समवन दिस इज योर फैमिली यू नो क्या हो बेटा चलिए हाँ जी बच्चों, हाँ जी बताइए जल्दी से क्या क्या आ गया था। जीरो, हाउ मेनी जीरोस? आगे। वन एंड वन, आगे। वन आज ऑल्सो टू, टू थ्री कितने थे बेटा? वन आगे। फोर, फोर वाज टू, फोर थ्री, फाइव आगे। कितने हैं बेटा? आगे। थ्री, फोर, फाइव, मुझे सेवन, थ्री, थ्री एंड हाउ मेनी एट्स? फाइव फाइव वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स है बेटा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हाउ मेनी? नाइन। ओनली ओनली थ्री। एंड टेन हाउ मेनी? टेन। वेदर दिस इज 30 इज कंप्लीटेड। वन फोर फाइव सेवन नाइन, नाइन एंड सिक्स 15, 18, 24, यस 30 कंप्लीटेड। ये देखिए बेटा, आगे बच्चे देखो जरा, इज इट क्लियर? अच्छा।
telemarks, this is frequency. Now, when you look at this data, this is more useful data. Yes or no? पहले जो हमारा data था unorganized था, there was a paragraph type of thing कि how many students got 10 marks. If suppose somebody asks how many students got 10 marks, so you need to count each one, right? But on looking at this data, you can straight away say how many 10 are there, 10 is missing. Okay, right? So this data is more informative. Yes or no? Yes. That's why we organize the data. Now, what is the benefit of data? It is becomes more informative. There are another form of representing the data, that is in the form of graphs. Right, bacho? So, ye dekhiye. This is which type of graph? Yahan pe kya information hai, bache? Suppose if I ask from your class, if you have to have the choice for different type of movies, what type of movie you will prefer? Beta, graph aap logon ko visible hai? नहीं, no. Just a moment. आप बेटा, no. Okay, so डाटा थोड़ा सा ना, ये अपना ग्राफ जो है थोड़ा सा लाइट है. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट ए मोमेंट, देखते हैं. आप बेटा क्लियर है? आई थिंक आप बेटर है, राइट? चलिए, सो नाउ यू कैन सी दिस इज ए ग्राफ, दिस इज ए बार ग्राफ इन विच फेवरेट टाइप ऑफ मूवी ऑफ द पीपल इज गिवन, राइट? वी हैव फाइव टाइप ऑफ चॉइसेस इन मूवीज. कौन कौन सी है बेटा? कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, ड्रामा एंड साईफाई. ठीक है बच्चे? सो नाउ एट लुकिंग एट द ग्राफ, ना अभी हमने पहले क्या देखा बेटा? वी हैव सीन अ ऑर्गेनाइज्ड डाटा. नाउ इफ दैट डाटा इज रिप्रेजेंटेड इनटू द ग्राफ, वेरी क्लियरली वी कैन से कि दिस बार इज हायर, सो द पीपल लाइकिंग द रोमांटिक मूवी आर मैक्सिमम एंड द पीपल हु लाइक द ड्रामा लीस्ट. इज दिस क्लियर और नॉट? ग्राफ से एकदम हमें विजिबल है ना, क्या एकदम इंफॉर्मेशन है. व्हाट हैपेंड? ग्राफ इज मोर इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. नाउ देयर आर सम अदर टाइप ऑफ ग्राफ्स आल्सो. ये देखिए बच्चे, व्हाट इज दिस ग्राफ? ये एक बार क्रिकेट देखते हैं सारे लोग? सारे लोग क्रिकेट देखते हैं ना बेटा? ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है क्रिकेट मैच की. ठीक है जी, मैच में क्या है, इंडिया बांग्लादेश सीरीज चल रही है आजकल, तो ये बांग्लादेश का स्कोरिंग कार्ड है. T20 मैच था एक बेटा. सो हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ ओवर्स, राइट? एंड दीज टावर्स रिप्रेजेंट हाउ मेनी रन्स हैव बीन स्कोर्ड इन ईच ओवर, राइट? इफ आई से हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड इन फर्स्ट ओवर, सो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट ओवर, दिस टावर इज 14. तो 14 रन्स वर स्कोर्ड इन द फर्स्ट ओवर, राइट? इज दिस क्लियर? ठीक है, बट दिस रेड डॉट रिप्रेजेंट आउट. ओके, इन व्हिच ओवर द बैट्समैन गॉट आउट. सो दिस ग्राफ इज मोर इंफॉर्मेटिव ग्राफ. देन वी हैव सम अदर टाइप ऑफ ग्राफ्स. दिस इज पाई ग्राफ, पाई चार्ट. यू हैव in your syllabus this type of graphs, that is pie graphs. Now by looking at this graph, very clearly you can say this part is maximum because percentage is maximum here, 40 and which part is least? 7%. Is this clear or not bacho? So graph hai na bache, that gives us very clear idea about the information. यहां से जस्ट बाय विजुअलाइजिंग यू कैन फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन दिस ग्राफ इज गिविंग टू अस.
अब इस ग्राफ की एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग जी। देखिए अगेन व्हाट इज दिस पाई ग्राफ, कहाँ पे यूज यस बेटा? क्रिकेट मैच में हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आर यूज्ड। दिस दिस ग्राफ इज नोन एज वैगन व्हील। क्या बोलते हैं बेटा इस ग्राफ को? क्रिकेट में जब आप देखते हैं मैच तो इस ग्राफ को बोलते हैं वैगन व्हील। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन दिस ग्राफ गिव्स? देखिए बच्चे, जिन लोगों को क्रिकेट खेलते हैं, जो जिन लोगों को क्रिकेट का पता है कि दिस इज अ सेंटर लाइन, वी हैव टू साइडेड इन ए ग्राफ। क्रिकेट में जो एक साइड को हम बोलते हैं लेग साइड, एक को ऑफ साइड। दिस साइड इज कॉल्ड ऑफ साइड एंड दैट इज कॉल्ड लेग साइड। नाउ दिस ग्राफ शोज ए बैट्समैन हैज स्कोर्ड रन्स इन डिफरेंट एरियाज, राइट? दिस इन दिस ग्राफ हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज बीन डिवाइडेड? 1, 2, 3, 4 एंड 8 पार्ट्स। नाउ बैट्समैन हैज स्कोर्ड मोस्ट रन इन विच एरिया? जस्ट टेल मी। ऑफसाइड ऑफसाइड रन स्कोर किए बच्चे 272 रन्स एंड इन परसेंटेज इट इज 60.7%। आपने एकदम देखते ही बता दिया ना बच्चे ऑफसाइड, यस और नो? ऑफसाइड अगर हमारे पास जस्ट बैट्समैन के रन लिखे हो, वी हैव टू चेक विच डायरेक्शन ही हैज प्लेड द मैक्सिमम। कैन यू टेल अस? बट एट लुकिंग एट दिस ग्राफ स्ट्रेट अवे यू कैन टेल विच साइड द बैट्समैन हैज स्कोर द मैक्सिमम रन्स। इज दिस क्लियर बच्चों? सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाई ग्राफ्स। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ्स। नाउ दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स, राइट? देखिए बच्चे, आप डेली आप टेम्परेचर देखते हैं राइट? हमें कैसे पता चलता है कि किस टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहा? हम टेम्परेचर देखते हैं ना कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर सपोज 35 डिग्री सेल्सियस है एंड लोएस्ट इज लेट से 19 डिग्री सेल्सियस। नाउ हाउ वी कम टू नो कि टेम्परेचर वाज मैक्सिमम? मतलब ऐसा होता है कि वो थर्मामीटर लेके बैठे रहते हैं और चेक करते हैं कि अब ऊपर गया या अब नीचे गया। इज इट लाइक दैट? नहीं हाउ वी चेक बच्चे? बेटा नहीं एक टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड, राइट? जो आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, देयर द ग्राफ इज फॉर्मड एवरी सेकेंड टेम्परेचर राइजेज और डिक्रीजेज। दिस ग्राफ इज फॉर्मड, दैट लाइन ग्राफ इज फॉर्मड। बाय लुकिंग एट दैट ग्राफ वी कैन टेल कि द टेम्परेचर इज दिस मच इज मैक्सिमम एंड दिस मच इज मिनिमम। एंड व्हाट टाइम इट वाज मैक्सिमम, व्हाट टाइम इट वाज मिनिमम, व्हेन इट स्टार्ट टू रिड्यूस, व्हेन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, एवरीथिंग इज जस्ट ऑब्जर्व इन द ग्राफ, राइट? इज दिस क्लियर? सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर इन, हियर इट इज शोन इन फारेनहाइट। इज इट क्लियर? Yes. सो दिस इज अनदर ग्राफ, एप्लीकेशन ऑफ लाइन ग्राफ। अगेन सिंस वी आर डिस्कसिंग क्रिकेट, क्रिकेट में देर आर सो मैनी थिंग्स टू लर्न अबाउट, सो मैनी स्टैट्स। इन एनी अदर स्पोर्ट्स यू विल नॉट फाइंड सो मच डेटा बिकॉज क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्टैट्स, स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड डेटा एंड डेटा। एवरीथिंग इज डेटा देयर, राइट? सो दिस ग्राफ शोज द कंपेरिजन ऑफ स्कोरिंग रेट ऑफ टू टीम्स। देर आर टू टीम्स बेटा, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका, राइट? दिस ये जो ग्राफ बन रहा है ना बेटा, दिस इज नोन एज इन क्रिकेट लैंग्वेज वॉर्म, राइट? तो दिस इज येलो वन इज साउथ अफ्रीका वॉर्म एंड ब्लू वन इज श्रीलंका वॉर्म, राइट? अच्छा तो दिस ग्राफ शोज विच टीम हैज स्कोर्ड द रन फास्टर। जिस टीम का ग्राफ ऊपर है बेटा, दैट हैज स्कोर्ड रन फास्टर। इज दिस क्लियर? यस यस या एवरीथिंग इज क्लियर? यस नेक्स्ट इज दिस इज ए पाई ग्राफ, राइट बच्चों?
Now here is the question. Is this clear? Okay. This is a pie graph, right, बच्चों? Question is there in your sheets. आपको sheets मिल गया बेटा? Yes. Assignment में question है बेटा इस figure से related. Yes. Just go through this figure. The question is the given pie chart represents the distribution of protein in the parts of the human body. What is the ratio of the distribution of proteins in the muscles to that of the proteins in the bone? Muscles to the bone. The ratio of protein in the muscle is 1/3 and bones is 1/6. So how you will find the ratio? Muscle upon bones. Muscles is. तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बच्चों चेक करके बताइए जरा. रेशो वन आ रहा बेटा इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 2/1 दैट इज इज इट क्लियर. पीपल नो हाउ टू ड्रॉ द पाई ग्राफ्स. हाउ मेनी ऑफ यू नोज हाउ टू ड्रॉ द पाई ग्राफ्स? सेक्शन और बिंदु को नहीं आता. यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स पाई ग्राफ्स बिकॉज दैट इज देयर इन योर सिलेबस. चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हाउ टू ड्रॉ द पाई ग्राफ्स. बच्चा मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू ड्रॉ द पाई ग्राफ्स. ये बच्चे यहाँ पे हमें एक डाटा गिवन है. लेट से द डाटा इज किस चीज का ले आपके कोई क्वेश्चन का ही डाटा ले लेते हैं जिसमें ड्राइंग हो गई. हाँ जी बच्चों देखिए जब भी आप पाई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू ड्रॉ ए सर्कल. क्लियर? ड्रॉ ए सर्कल ड्रॉ 1 radius. इज इट क्लियर बच्चों? नाउ वट एवर द डेटा इज गिवन टू यू वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू यू हैव टू फाइंड इट सेंट्रल एंगल. क्या फाइंड करना होता है बच्चों? वट इज सेंट्रल एंगल? लेट से आई टेक सम डाटा राइट बच्चों. लेट से हियर इन ए फैमिली इफ वी टेक द लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर राइट. सपोज अ पर्सन इज गेटिंग सैलरी ऑफ 10,000 rupees राइट. सैलरी इज 10,000 rupees एंड हियर इज द एक्सपेंडिचर राइट. एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाते हैं हेड्स आपके? ग्रॉसरी, चिल्ड्रंस चिल्ड्रन फी राइट, हाउस रेंट, सेविंग्स और एक और खर्चा हम ले लेते हैं दैट इज मिसलेनियस राइट. इज दिस क्लियर? दीज आर द 5 हेड्स. सपोज आउट ऑफ टोटल सैलरी ऑन ग्रोसरी 2,400 rupees लेट से आर स्पेंड एक्सपेंसेस. चिल्ड्रन फीस लेट से इट इज 1,800 rupees. हाउस रेंट लेट से 2,000. इज दिस क्लियर? ठीक है. एंड मिसलेनियस एक्सपेंस लेट से इज 1,800.
How much it becomes, Bache? And let's say saving is 2000. Is this clear, Bacho? Okay. Yes or no? Okay. Is this clear or not? Yes. Now we have to, let's say we have to find the central angle for this data. How to find out? Anyone can tell me how to find central angle? What is the total angle at the center? Three So can anyone tell me how to find out the central angle? हाँ जी बताइए, कौन बताएगा? बच्चे अब गिवन अमाउंट फॉर टोटल अमाउंट इनटू 360। अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 60। सो हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? अच्छा, ये एंगल जो आ गया ना आपके पास, थोड़ा सा मीन्स, हाँ हाँ जी, अच्छा सॉरी, मैंने 36 कर दिया, 360, राइट? सो 10 विल बी लेफ्ट। टेन थाउजेंड, राइट बच्चों? यस। व्हाट विल बी द एंगल हियर? जो है डेसिमल में आ गया। चलिए हम कुछ डाटा जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डाटा को, जिससे हमारा एंगल ठीक आ जाए। डाटा को चेंज करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, लेट्स से वी टेक इट एज 2000। दिस इज क्लियर? Here we take it as 2500. अच्छा Here we take 1500. और ये 2000 2000 है, ठीक है? So now if we change this data, so we'll get the central angle 2000 upon 10,000 into 360. So how much is the central angle here? नेक्स्ट Next कितना आ जाएगा बच्चे, चेक करके बताइए मुझे। What will be the next central angle? 2500 upon 10,000 into 360. Forza, and it comes out to be 90 degree. And what will be the for 1500? Please find out. Please find out, बच्चे, what is the central angle? Please क्या कर रही है लक्ष्य? हाँ जी, क्या हाउ कर रही है? अपॉन 10,000 24 54 डिग्री। नेक्स्ट विल बी 2000, 72 एंड 72 डिग्री। इज इट क्लियर? यस चलिए अब ड्रॉ कैसे करना है वो देखते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक रेडियाई ड्रॉ किया बच्चे। नाउ एंगल इज 72 डिग्री। फर्स्ट इज 72 डिग्री। पुट योर प्रोटेक्टर हेयर एंड दिस शुड बी द बेस एंड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। हाउ मच इज दिस एंगल? 72 डिग्री। व्हाट इज द नेक्स्ट एंगल? अगेन नहीं पुट योर प्रोटेक्टर हेयर एंड ड्रॉ दिस एंगल ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल इज 4 डिग्री। नाउ टेक दिस एज बेस एंड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 54 डिग्री।
Yes or no, बच्चों? Are you getting it? How to draw the angles? Yes. अच्छा, किस किस को नहीं समझ आ रहा है एंगल ड्रॉ करना? आप लोग भी प्रोट्रैक्टर है आपके पास? हाउ Yes. प्रोट्रैक्टर एंड कंपस, प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रोट्रैक्टर एंड कंपस? यार बच्चे आप अपने, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक्स, राइट? इज दिस क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ सर्कल, जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जी। बच्चे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, रेडियस कैन बी एनीथिंग। जिन लोगों के पास नहीं है बेटा, प्लीज अपने नेबर के साथ शेयर कर लो, राइट? हाँ आई कैन नॉट सी एनी वन ऑफ यू, बट वट एवर योर डाउट्स आर देयर, प्लीज हाँ क्वेश्चन। मेरे पास प्रोटेक्टर है, नजर आ रही है आपको? हाँ सबको प्रोटेक्टर नजर आ रही है ये? जल्दी से सर्कल ड्रॉ करो और एक रेडियाई ड्रॉ करो, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू ड्रॉ इट। सर्कल किया सबने? हैव यू ऑल ऑफ यू ड्रॉन सर्कल? बच्चे ये सेंटर ले लिया और एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, राइट? यस अब देखिए, मेरे पास प्रोटेक्टर है बेटा, एक्सेलेंट। राइट? अब मैंने क्या किया, ये प्रोटेक्टर को जो है, देखिए, एवरीवन लुक एट द बोर्ड। बेंच पे बच्चा सो रहा है? सेकंड बेंच पे लाइन में जो स्टूडेंट बैठा है सो रहा है क्या? बैठा सर आपने बहुत ज्यादा जूम कर दिया। भाई। हाँ जी बच्चों, देखिए बेटा, मेरे पास ये प्रोटेक्टर है, मैंने यहाँ पे रखी जी प्रोटेक्टर। ये हमारी स्क्रीन मूव कर रही है, राइट? यहाँ पे जब रख के ना, मैंने इसके सेंटर को, प्रोटेक्टर के बीच में सेंटर नजर आ रहा है सबको बेटा? नहीं आ रहा होगा। ये सेंटर होता है जी नीचे, जो बिल्कुल है जहाँ पे टू लाइंस मीट कर रही है प्रोटेक्टर की, ये प्रोटेक्टर की करेक्ट। मीट कर रही है। इस वाली लाइन को डीडीआई के साथ अलाइन करो बेटा, लाइन को रेडियस के साथ अलाइन करो। कर दिया बच्चे? बेटा स्टॉप टॉकिंग, फोर्थ बैंड सेंट्रल लाइन अरबिंदो, टू गर्ल्स आर टॉकिंग, राइट? सो बच्चे यहाँ पे अलाइन करके यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट एंगल ऑफ 72 डिग्री। तो बाय अब सॉरी, प्रोटेक्टर में यहाँ से काउंट करते जाइए, 60 70 आ रहा है एंगल, 70 के 2 पॉइंट्स आगे एंगल ऑफ 72। मेरी ये नजर नहीं आएगी प्रोटेक्टर ना, क्योंकि स्मॉल है, ठीक है बच्चों? तो 72 का एंगल का पॉइंट लगा दो यहाँ पे, सपोज ये पॉइंट लग गया। नाउ मीट हियर हियर बच्चों, इस देर एनी टीचर प्रेजेंट? एनी टीचर प्रेजेंट इन द क्लासरूम्स? हाँ मैम कैन यू कम इन द स्क्रीन? हो गया।
अच्छा तो है सर। टीचर कैन यू हेयर मी? यस सर, यू आर ऑडिबल। या मैम, कैन यू प्लीज चेक वेदर दे आर एबल टू ड्रॉ द एंगल्स और नॉट? श्योर सर। हाँ जी, वेदर यू आर एबल टू डू, एवरीवन इज जॉइनिंग। In the Aristotle and Aurobindo section also, students, please read it. बच्चों, जब भी आपने एंगल ड्रॉ करना है तो जो प्रोटेक्टर का दिस लाइन, दिस शुड अलाइन विद योर रेडियस, बिकॉज दिस ड्रॉइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, एक इसके ऊपर पाईग्राफ ड्रॉ करने के लिए. हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंगल ड्रॉ कर लिया, 72 72 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, डिग्री प्रोटेक्टर विद दिस रेडियस, इसके साथ अलाइन करना है बच्चे, एंड यू हैव टू मार्क 90 डिग्री. 90 मार्क करना है बेटा, ठीक है? नेक्स्ट 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए बेटा. कमिंग टू स्पीक फॉर है 90 डिग्री. आंद्रो, एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट सर, फिफ्टी व्हाट इज द नेक्स्ट एंगल दे हैव टू मेक आफ्टर 90? फोर डिग्री नाउ टेक दिस लाइन एज बेस एंड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 54. स्टूडेंट्स राइट, बच्चों इज दिस क्लियर? सो यू हैव टू कंटिन्यू दिस स्टेप्स, विच एवर एंगल यू हैव टू ड्रॉ, टेक द नेक्स्ट नेक्स्ट रेडियस. Fires in Alessandro. Please do yourself. Someone's up. You can talk to me. Now, next is बच्चे, take this as radius and draw an angle of 72 degree. This should 72 degree. Is this clear? बच्चों, दिस लेफ्ट ओवर, इफ योर लेफ्ट ओवर एंगल इज 72 डिग्री, देन योर ग्राफ इज करेक्ट. इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 72 डिग्री, दैट्स मीन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, राइट? हो गया बच्चों सबका? सर, चलिए वापिस क्वेश्चन पे आ जाए. हाँ क्वेश्चंस हो गया
student. Now, Okay. बता किसी को डाउट है तो मैं दोबारा देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन। मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज ₹15,000, राइट। मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 15,000। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट ऑन ए पाई चार्ट इज 60 डिग्री। इज दिस क्लियर बच्चे? अब क्वेश्चन क्या है बेटा, ये एक पाई चार्ट बना हुआ है। हियर दिस सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री फॉर हाउस रेंट एंड। ओके बच्चों ध्यान से सुनिए जरा क्वेश्चन, हाउस रेंट और फूड के लिए जो सेंट्रल एंगल है दैट इज 60 डिग्री, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस रेंट। टोटल सैलरी इज, टोटल सैलरी इज ₹15,000, राइट। बच्चों कैन यू डू दिस क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। गर्ल्स इन अरिस्टोटल थर्ड बेंच सेंट्रल। हाँ जी बच्चों, टोटल सैलरी इज 15,000, सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। नाउ व्हाट अमाउंट विल बी द हाउस रेंट, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। हम बच्चे सेंट्रल एंगल कैसे निकालते थे, व्हाट वाज द फार्मूला फॉर सेंट्रल एंगल? सर हाँ जी, क्या होता था, यहाँ पे सैलरी आ जाती थी इंटू 360, और यहाँ पे क्या होता था बेटा, एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पे फूड एंड हाउस रेंट। ये आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज ऑल्सो गिवन, गिवन है नॉट। ओके बच्चे सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है और जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हमने एक्स ले लिया, टोटल कितना है? समझ में आया बच्चों आपको या नहीं आया? बेटा सिस्टर, हेलो, सेक्शन और विंडो लेफ्ट साइड पे बैक साइड से थर्ड बेंच दैट गर्ल स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ जी, लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड से दिस साइड, प्लीज ओके कम फॉरवर्ड। हाँ जी, आपके साथ वाले स्टूडेंट जिन्होंने हैंड रेज किया ना, उसके साथ वाले स्टूडेंट, यू प्लीज कम बेटा माइक के पास आ जाइए आप। हाँ जी बेटा, आपके पास असाइनमेंट है, माइक को अपने माउथ के पास लेके आके फिर बोलिए जरा। हाँ जी, क्वेश्चन आ रहा है आपको बेटा, कौन यस सर, सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? असाइनमेंट शीट वाला। क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट शीट, हैव यू अंडरस्टूड बेटा जो हमने किया है ये? यस सर, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ, प्लीज यस सर। फाइंड आउट एंड टेल मी। कैन आई ब्रिंग माय नोटबुक? या यू कैन बेटा, बाकी लोगों का भी नंबर लगेगा अभी, सो बी केयरफुल, प्लीज डू योर क्वेश्चंस, नो टॉकिंग प्लीज। यस बेटा, प्लीज सॉल्व दिस, हैव यू अंडरस्टूड बेटा हाउ वी हैव ड्रॉन दिस इक्वेशन? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? हेलो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, जो अभी बच्चा अंदर आया क्लास में, सारी बेटा आपने डिस्टर्ब किया और उसके बाद आके गप्पे मार रहे हो। सेकंड बेंच और बेंच में
कैलकुलेट करके बताइए। बेटा। लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं ना हम, यस और नो? देखिए क्या करेंगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, 60 डिग्री इंटू 10,000 इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टेक दिस 360 डिवाइड बाय 60 इंटू 15,000। नाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी से करके बताइए बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी। हाँ जी बच्चे जल्दी से बताइए जरा, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है। हाँ सर, आई हैव गॉट द आंसर सर, प्लीज टेल मी बेटा। 2,500। वेरी गुड, द आंसर विल बी 2,500। प्लीज बेटा यू कैन गो, वेरी गुड। सो आंसर विल बी मीन्स द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट, हाउस रेंट विल बी 2,500। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट? नाउ कम्स टू द असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ए पाई चार्ट और ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट्स, इज दिस ट्रू और फॉल्स? प्रियो प्रियो और फॉल्स, हाउ प्रियो मेनी सेज ट्रू, प्लीज रेज योर हैंड। चलिए जी, हाँ जी, सेक्शन एरिस्टोटल से सेंटर वाली लाइन में जो सबसे लास्ट में गर्ल स्टूडेंट बैठे हैं वो आ जाइए आप, एरिस्टोटल, या प्लीज कम फॉरवर्ड बच्चे, प्लीज कम फॉरवर्ड बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू कम फॉरवर्ड, जल्दी से माइक के पास आ जाएं आप। हाँ जी बेटा, टेल मी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। आप स्क्रीन पे आ रहे हैं जरा, थोड़ा मुझे नजर नहीं आ रहे हैं आप लोग। आ जाइए बेटा, यस एनीवन, बट स्टिल यू आर लॉस्ट। बेटा आप स्क्रीन में आइए, पहले तो मुझे नजर नहीं आ रहा है आप लोग कहाँ खड़े हैं बेटा। बेटा कैन यू हियर मी और नॉट? जस्ट चेक आउट वेदर देयर इज सम इश्यू विद द साउंड सिस्टम। Assertion is true. ट्रू बेटा, हाउ इट इज ट्रू, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ इट इज ट्रू? सी बच्चे, नाउ व्हेन आई एम ड्राइंग दिस पाई ग्राफ, लेट्स से आई हैव ड्रॉन दिस एंगल, इज आल्सो ड्रॉन हियर। नाउ लुकिंग एट द एंगल और द परसेंटेज आई कैन टेल यू दिस पार्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल। सो डेफिनेटली दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट्स, सो दिस इज ट्रू। सेकेंड पार्ट इज रीजन, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन ए पाई चार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सर, इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? द ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस बेटा यस, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल ना। द पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज प्रोपोर्शनल मीन्स वट एवर इज द सेंट्रल एंगल
that correlates to its value. For example, if the central angle was 60 degree, the food and house rent expenses were 2500. But if the angle will increase, naturally expense part will also be increasing. So हाँ both, sit down beta. Next question. 25% on a pie chart is equivalent to 90 degree sector angle. Is this true? How many is true? Raise your hands. How सर इज सर इक्वल टू 90 डिग्री सेंट्रल एंगल या फिर सर 25 अपॉन 100 इंटू 360. सो दिस कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. Yes or no? सर The section, is it clear to you or not? Second part is in a pie chart, total angle at the center is 360. Both are correct. Is reason the correct explanation? How it is correct explanation? Both are true, but reason is not the correct explanation. So आपकी ऑप्शन चॉइस कौन सी हो जाएगी? बी. राइट. हाँ फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे. इन ए पाई चार्ट टू सेंट्रल एंगल्स कैन बी 180 डिग्री. सही सकते हैं ना? देखिए आपने एक पाई चार्ट ड्रॉ किया, है दिस इज रेडियाई, दिस इज डायमीटर, वन सेंट्रल एंगल दिस, वन सेंट्रल एंगल दिस, बोथ आर 180 डिग्री. दिस इज आल्सो ट्रू. सर रीजन, वन थर्ड पार्ट ऑफ ए सर्कल इज इक्वलेंट टू सेक्टर एंगल 144 डिग्री. इज इट ट्रू? नो नॉट ट्रू ना बेटा. 1/3 ऑफ टोटल एंगल, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? 120 व्हाट डिग्री. दिस हैपेंड इज क्लियर? टू ऑल ऑफ यू मैं ऑल ऑफ यू में तो क्लियर भी बेटा? आपने पार्ट क्लियर दिस पार्ट क्लियर और नॉट? बच्चे कौन सी चॉइस आएगी इसकी? क्वेश्चन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स. सो सी विल बी देयर, चॉइस सी फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट इज ए पाई चार्ट और ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड सेम. आगे बेटा रिपीट आगे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिपीट. एट्थ इज आल्सो रिपीट. नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 9. चार्ट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा ऑफ डिफरेंट वैल्यूज. इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू, इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स. देखिए बच्चे जो हमने ये बनाते हैं ना, ये वाला रीजन, इसको सेक्टर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड ए सेक्टर. सो नेचुरली इन ए पाई ग्राफ इज इट्स द सम ऑफ सेक्टर्स, राइट? नाउ रीजन इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द सेक्टर्स इज 360 डिग्री. दिस इज आल्सो ट्रू. सो इज इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? हेलो बाय बाय रियल नॉट? बेटा देखिए क्या रियल बोला है कि पाई ग्राफ में सेक्टर्स में डिवाइडेड है और सभी सेक्टर का सम जो है 360 है. इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चे. हाँ तो हमारे पास पाई चार्ट है तो वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, जी तो इसका रीजन क्या ये बोले कि सभी सेक्टर्स के एंगल का सम 360 है. यस. पाई ग्राफ में बेटा टोटल एंगल कितना होता है, सेंट्रल एंगल?
टोटल इज 360 ना दिस एंगल, सही यस और नो? क्योंकि इसका सारे यस बच्चे, सेक्टर्स का जो एंगल सम होता है टोटल इज 360 डिग्री। नाउ पाई चार्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड इफ सी दिस इज अ पाई ग्राफ और सम ऑफ ऑल सेक्टर्स सेंट्रल एंगल, ये दिस इज द सेंट्रल एंगल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अरे ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर्स इज 360 डिग्री, यस और नो? हाँ ऐसा तो है नहीं कि जो पाई चार्ट है वो अलग अलग सेक्टर्स में कितने डिवाइड है, फोकस जो हाँ सुने मेरी बात, इफ द सम ऑफ द सेक्टर इज सेंट्रल एंगल इज नॉट 360, डज दैट पाई ग्राफ विल बी कंप्लीटेड? नहीं ना बच्चे, एक होल को हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड अ होल इनटू पार्ट्स, नो? बच्चे पास एक पिज्जा, नहीं ये पिज्जा के आपने पार्ट कर दिए फोर, राइट? तो ये सारे सेक्टर्स बन गए ना आपके, एंड एवरी सेक्टर सेंट्रल एंगल इज इन दिस केस 90 डिग्री, तो सबका सम कितना बन रहा है? 360 ना, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10, गिवन अलोंगसाइड ए पाई चार्ट शोइंग द टाइम स्पेंट बाय अ ग्रुप ऑफ 350 चिल्ड्रन इन डिफरेंट गेम्स, ऑब्जर्व इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। बच्चे आपके क्वेश्चन 10 में एक पाई ग्राफ बना हुआ है, यस? सो वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस नाउ। व्हाट आर द क्वेश्चन फर्स्ट? हाउ मेनी चिल्ड्रन स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एटलीस्ट 1 आवर का मतलब क्या हुआ बेटा? 1 आवर एंड ऑल द टाइम इंटरवल ग्रेटर देन 1 आवर, बच्चों समझ में आ रहा है ना एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि फॉर पासिंग इन द एग्जाम यू रिक्वायर 40 मार्क्स, एटलीस्ट 40। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा? कम से कम 40 चाहिए, ज्यादा तो जितना मर्जी हो सकते हैं ना, यस और नो? आपको अगर 1 घंटा डेली स्टडी करना है, सो मिनिमम 1 आवर, अबव दैट एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। सो व्हाट विल बी द आंसर दिस क्वेश्चन? देखो बच्चों, कौन सा है? व्हाट इज द लेस देन 1 आवर? अच्छा, लेस देन 1 आवर कितना परसेंट है? 6%। 6%। तो एक्सेप्ट दिस 6%, एवरीथिंग फॉल्स इन एटलीस्ट 1 आवर। यार वन आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, दे ऑल फॉल इन एटलीस्ट 1 आवर, यस और नो? सो सर हाँ बोलो बोलो बेटा, किसी को डाउट है बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? टोटल इज 100%, 100% में से लेस देन 1 आवर इज 6%, तो हाउ मच परसेंट इज? 94%, राइट और नॉट? 94% ऑफ 350, 94% ऑफ 350 कितना हो जाएगा बच्चों? प्लीज कैलकुलेट।
G29 322 बोल रहा है कोई, 329 बोल रहा है बेटा। पहले कैलकुलेशन ठीक करो। दिस कम्स आउट टू बी 329, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 2 आवर्स? व्हेन वी आर सेइंग मोर देन 2 आवर्स, 2 से ज्यादा वाले कौन कौन से हो जाएंगे? 3, 4, 5, राइट बच्चों? 3, 3 प्लस 4 प्लस 5 आवर्स वाले बच्चे सारे, राइट? वालों की परसेंटेज कितनी है बेटा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 3 आवर्स? आप देख के बताइए जल्दी से मुझे। 34% 34%। यस 4 वाला कितनी है? 4 आवर्स 10%, एंड 5 आवर्स 4%। 4% बेटा 48 नाउ फाइंड आउट 48% ऑफ 350। कैलकुलेट कीजिए बच्चों ये। 34% सॉरी 48% ऑफ 350 कितना आ रहा है बच्चों? 168। फिर 168 168 168 यस। थर्ड पार्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन स्पेंड 3 और लेस आवर्स प्लेइंग गेम्स? मीन्स 3 और 3 से कम, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? लेस देन 1 प्लस 1 आवर प्लस 2 आवर प्लस 3 आवर, चारों तीन को ऐड कर दो। करके बताइए जरा कितना आ रहा बेटा ये, मतलब 100 में से 4 और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट जानना कि बस 20% बन जाएगा बच्चों ये। देखिए फोर आर वाला कितना है? 10%। 5 आर वाला कितना है? 4%। टेन राइट, टेन टोटल -14%। इट कम्स आउट टू बी 86%। सो 86% ऑफ 50 फाइंड आउट कीजिए। 86% ऑफ 350। थ्री जीरो सबका कैलकुलेशन है या नहीं है? कर दो बच्चों। यू वन विल बी द राइट चॉइस, सो वी विल फिनिश इट हेयर ओनली टुडे बेटा, राइट? डाउट आज की क्लास में, एनी डाउट्स बच्चों? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक यू हैव अनदर क्लास नाउ, बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास है अभी? हेलो आप हाथ से निकालो कॉपी दिया क्या काम कर क्वेश्चन पूछ लो सर से करेक्ट हाँ विद मी।
एंड एवरीबडी तो सेल ऊपर लिखो सेल व्हाटएवर आई विल से नोट दैट तो व्हाट इज इनफैक्ट बातें बिल्कुल भी नहीं है ना। पता क्या है आप थोड़ी सी भी झुंझुं करते हो इट बिकम्स नॉइज हियर इट बिकम्स नॉइज टू अदर सेंटर्स। तो इस तरह होना चाहिए कि किसी दूसरे सेंटर को नहीं पता कि आप बैठे हैं। तो सेल सेल जो है फर्स्ट यू विल लिसन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फॉर्म ऑफ सेल। एलेक्सेंड्रो बेटा आपने तो बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपका वीडियो भी ऑन नहीं है पता नहीं चलता। ठीक है ऑल्दो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आई नो दैट बट इंटेलिजेंट के साथ साथ डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मड ऑफ वन और मोर सेल्स। सो व्हाट इज इनफैक्ट सेल हम सेवंथ में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेल इज लिविंग। फर्स्ट पॉइंट इट इज लिविंग। व्हाई इट इज लिविंग ये थोड़ा सा माइंड में बिठाओ। बिकॉज ऑल एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन लाइक फोटोसिंथेसिस लाइक ट्रांसपोर्ट वेयर इट अकर्स इन द सेल राइट। द सेल इज लिविंग। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका यूनिट क्या है? सेल है। डिफरेंट फंक्शंस है हमारी बॉडी के, दीज आर ड्यू टू सेल। राइट डाउन दीज पॉइंट्स। गर्ल्स? नो, एलेजेंड्रो गर्ल्स। गर्ल्स तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इफ देयर आर नो सेल्स देन नो लाइफ। स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा? अगर सेल नहीं होंगे तो कैसे फंक्शंस होंगे? राइट देन, सो सेल, दिस इज अ बेसिक सेल। राइट, मैं हर चीज दिखाऊंगी आपको। दिस इज द बेसिक, एक यूनिट है, उसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? जैसे एक बाउल है, उसमें एक पुडिंग प्रेजेंट है, उसमें एक पहले पुडिंग है, लाइक ये इसका, ये बाउल है, उसमें एक पुडिंग है, और पुडिंग में आपकी मम्मा ने बहुत सारी चीजें डाली हुई है, डिफरेंट फ्रूट्स डाले हुए हैं, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, एंड मेनी थिंग्स। सो दिस पुडिंग बेसिक सेमी फ्लूइड जेली लाइक, दिस इज साइटोप्लाज्म। देन इधर देखो, पहले इधर देखो फिर बाद में बनाना। सी हियर, हियर तो दिस इज यू नो मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारे कंट्री में सेंटर होता है, दिल्ली है जो सारे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है, लाइक वाइज देयर इज अ कंट्रोलिंग सेंटर। बाद में बनाना पेंसिल, नीचे एकदम आईज एंड ईयर्स एंड ब्रेन ऑन द स्क्रीन। रख दो, अभी पेन रख दो नीचे। दिस इज न्यूक्लियस, दिमाग में रखो, मैं अभी पूछूंगी इनके फंक्शन। दिस इज न्यूक्लियस, मेन कंट्रोलिंग सेंटर। व्हाट इट कंट्रोल्स? इट कंट्रोल, ध्यान से माइंड को एक्टिव रखो ताकि याद रहे। कंट्रोल्स क्या करता है? सेल में जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करते। कैसे करता है? बिकॉज इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा सेल के जितने भी फंक्शंस है वो उनको रेगुलेट कौन कर रहे हैं? प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं। राइट, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इट इज द प्रोटीन्स। एज एंजाइम्स, प्रोटीन्स क्या बनाते हैं? एंजाइम्स विच रेगुलेट डिफरेंट फंक्शंस। कौन रेगुलेट कर रहा है? प्रोटीन्स रेगुलेट कर रहे हैं। राइट डाउन, बनाना बाद में, पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फॉर्मेशन
is present in न्यूक्लियस. प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं, बट कौन सा प्रोटीन बनना है, कब बनना है, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अगर ये इंफॉर्मेशन में कुछ खराबी, कुछ एरर आ जाए, देन रॉन्ग प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड, राइट? सो मेन डिसीजन मेकिंग वेयर इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कंट्रोलिंग सेंटर, राइट? एंड ये मैंने आपसे पूछना है अभी, ठीक है? इसलिए ध्यान से दोबारा से, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. प्रोटीन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, बट प्रोटीन्स बन कहाँ पे रहा है? साइटोप्लाज्म में. किसकी हेल्प से? प्रोटीन फैक्ट्रीज की हेल्प से. एंड दीज आर राइबोसोम्स. बोलो जोर से, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. बोलिए जल्दी से. राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। वेरी गुड. सो प्रोटीन फैक्ट्रीज क्या है? राइबोसोम्स, राइट? एंड फॉर एक्टिविटी, आप डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, यस, एरिस्टोटल मुझे बताएंगे कि फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको क्या चाहिए होता है? फॉर एनी एक्टिविटी, व्हाट यू रिक्वायर? एनर्जी एनर्जी. दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट. एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? सेल्स के अंदर. सो पावर हाउस ऑफ द सेल वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इट इज, ये है माइटोकॉन्ड्रिया. क्या है ये, बोलो जरा. माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो, बोलते रहो. माइटो माइटो कॉन्ड्रिया. ऑर्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी. बट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? फूड और नॉट? फूड गुड। चाहिए, ठीक है? एंड इन प्लांट्स, ये आपको पता है, सेवंथ में पढ़ा होगा, विच स्ट्रक्चर ऑफ द सेल प्रोड्यूस फूड? यस, ये और बिंदु, और बिंदु, यस, टेल मी, विच स्ट्रक्चर ऑफ द सेल प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस? सेवंथ क्लास में पढ़ा है आपने, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है कि नहीं? डू यू रिमेम्बर? ये तो चलो मैं एनिमल सेल बता रही हूँ, अदरवाइज क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है. क्लोरोप्लास्ट, इन प्लांट सेल, इट इज किचन ऑफ द सेल, राइट? ओके सो इधर देखो, फूड इज प्रेजेंट, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट विच फॉर्म प्रोटीन्स, राइट? देन बन तो गए, प्रोटीन्स भी बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी बन गए, बट दे आर रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन. ऐसे नहीं सब कुछ काम होता. कपड़ा ले आए, हमने ऐसे ही थोड़ी लपेट लिया, हमने उस कपड़े की शर्ट बनाई, सूट बनाया, ट्राउजर्स बनाई, स्कर्ट बनाई, वट एवर इट इज, तभी हमने यूज किया उसको. लाइकवाइज प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, बट बिफोर देयर यूजेज दे हैव टू बी मॉडिफाइड. सो व्हाट मॉडिफाइज प्रोटीन्स? ऑर्गेनिक गॉल्जी अपरेटस. बोलो जरा, गॉल्जी अपरेटस. एक मिनट, बातें नहीं, ऑर्गेनिक बातें नहीं, बातें नहीं. क्या है ये? गॉल्जी अपरेटस. बोलो. स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड एज गॉल्जी अपरेटस फॉर मॉडिफिकेशन
of proteins. Proteins are formed, proteins are modified, and then they are transported to different parts of the cell, and that is done by endoplasmic reticulum. This is endoplasmic एंड reticulum. What is this? बोलिए. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसा नहीं कि होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं बेटा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देयर कैन मेनी माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो, है ना, एक से ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं. न्यूक्लियस एक है ना, अगर एक ही न्यूक्लियस है तो एक सेल में एक न्यूक्लियस है, राइट? बट देयर कैन बी मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, मेनी राइबोसोम्स, मेनी गॉल्जी बॉडीज, मेनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? सो दीज आर द मेन स्ट्रक्चर्स. हमने मेन स्ट्रक्चर्स कौन से किए, देखिए. सबसे पहले सी हियर. अच्छा, पहले ये बनाओ, ड्रॉ इट क्विकली एवरीबडी. सुंदर सा औरबिंदो बेटा बना लो, बॉयज बना लो. आपके अच्छा टीचर कराएंगी क्लास में, वो सिर्फ फंक्शंस कराएंगी. अगेन मैं बता रही हूँ, वो आपको ड्राइंग्स नहीं कराएंगी. दिस इज डिसाइडेड बिटवीन वी पीपल एंड योर टीचर, तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल बातें बिल्कुल भी नहीं. ड्रॉ करो जल्दी से, सिर्फ आपके सेंटर में से आवाज आ रही है, बाकी कहीं से नहीं. क्विकली एवरीबडी, सबने ड्रॉ करना है बेटा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा, और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. ड्रॉ दिस एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. अरिस्टोटल बेटा आवाज नहीं, गर्ल्स बातें नहीं. कर लो कर लो कर लो. चलिए हम साथ साथ में पूछते भी चलते हैं आपसे, है ना, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट, राइट? सो एलेजेंड्रो अमानत, अमानत कम नियर माइक. यस मैम, यस, टेल मी विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, विच प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल. वेरी माइटोकॉन्ड्रिया. गुड, बैठिए बेटा. सो साथ साथ आपने लिखते जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल. हाँ जी, नेक्स्ट एलेजेंड्रो रिया. रिया कम फॉरवर्ड, टेल मी आर यू देयर रिया. रिया टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस.
मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। वेरी गुड वेरी गुड, इट इज प्रोटीन्स। बातें नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट आ जाइए जी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, एयान। एयान इज देयर। ओके रश्मीत, रश्मीत बेटा टेल मी विच इज आउट ऑफ दीज ऑर्गेनेलिस, टेल मी विच इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। अब तो ये रह गया हमारे पास न्यूक्लियस, रह गया राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच इज द कंट्रोलिंग सेंटर विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस। जोर से बोलो अगर मुझे आवाज आपकी आ नहीं रही है, बताओ। वेरी गुड, इट्स न्यूक्लियस। बैठो बेटा, कंट्रोल सेंटर। गुरनूर सिंह, एरिस्टोटल। गुरनूर इज देयर। आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? सिर्फ गुरनूर बताएगा बेटा, बाकी कोई नहीं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? चलिए मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। पहला है प्रोटीन फॉर्मेशन, दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, और तीसरा है यू नो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। यस गुरनूर, इट इज हाँ प्रोटीन फॉर्मेशन। आई थिंक आपने यही बोला है। सो राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज हम इनको कह देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको दिख रहा है दीज आर लाइक द रोड्स, है ना, सड़कों की तरह चैनल्स हैं इनके। सो दी इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। यस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। मेनली आप देख रहे हो प्रोटीन्स पे काम है ज्यादा, साथ साथ लिखते चलो। एंड साइटोप्लाज्म, जेली लाइक। जल्दी माय सेवा देखो, करा। न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, वी विल टेल यू लेटर ऑन, पर एक बाहर एक ही टॉर्च लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम, हेल्प इन सेल डिवीजन। जो इसकी बाउंड्री वॉल है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बातें नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पता है क्या बात है, आप तो थोड़ा सा विस्पर करते हो, बट माइक बड़े स्ट्रॉन्ग है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे दोबारा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से।
membrane or cell membrane is one and the same thing. Plasma membrane also Yes. has membrane. Membrane. नहीं. सेंटर एंड क्या पूछ रहे हो बेटा? सोमी बोलो जरा दोबारा से. हाँ आरटीएल ओनली टू सेंटर सोमी ने सेल्स टू सेंट्रोसोम्स इन सेल। सेंट्रोसोम नहीं, ये पेयर को ही बोलते हैं सेंट्रोसोम. इसको टू सेंट्रियोल्स, इसको कहते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम. दो ही होते हैं. तो यहाँ पे साइड में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एक ही पेयर होता है बेटा. हम ओके इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम. मैम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म एक पुडिंग की तरह है जिसमें सारी ऑर्गेनेलिस एम्बेडेड है, ठीक है. एंड और देखो जितने सब्सटेंसेस, जितने प्रोटीन्स बनाए कहाँ पे आए? साइटोप्लाज्म में. ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है, राइट. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक बाउंड्री चाहिए ही है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द बाउंड्री. आई विल टेल यू वेरियस फंक्शंस. मैम पकड़ लिया एवरीबडी? ड्रोन शुड बी लुकिंग फॉर लेट अस डू द डायग्राम पोर्शन. अगर हम पहले बात करते हैं, मैम यस टेल मी. आई व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड द विल सुसाइड? टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, है ना. हाँ लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स क्यों होते हैं मैं सब बताऊंगी, बट हम पहले काम कर लें, ठीक है. वैसे सुसाइडल बैग्स इसलिए कह देते हैं, उसके अंदर बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. अगर लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन टूट जाती है, देन दोज एंजाइम्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है ना प्रोटीन, वो अपने ही सेल को खा जाते हैं, राइट. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, ठीक है. बट व्हेन वी विल डू लाइसोसोम्स, अभी मैंने बताया नहीं यहाँ पे क्योंकि अभी मेजर चीजें ही बताई है. सो आई विल टेल यू फंक्शंस आल्सो. फर्स्ट मैम देखो, इधर देखो, लिसन हियर. फर्स्ट लिखो माइटोकॉन्ड्रिया. डबल मेम्ब्रेन है, बातें करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, नहीं करोगे तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे कर लो. ऐसे ही बनाने हैं ये फोल्डिंग्स, ऐसे ही बनानी है बेटा. अगर मैं ज्यादा एनर्जी तुम्हें चुप कराने में लगाऊंगी तो पढ़ाने में मैम कम एनर्जी रहेगी, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. आउटर मेम्ब्रेन जितना बनाओगे उतना बायोलॉजी समझ में आएगी. दिस इज इनर मेम्ब्रेन. और सीटों से उठ के इधर उधर नहीं जाना. दिस इज इन इनर मेम्ब्रेन, दीज आर इन फोल्डिंग्स. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, हेयर वी से मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे ही बनाना है डबल.
दिस इज सर्कुलर डीएनए। ओके इसके अंदर एक तो साइटोप्लाज्म में तो है ही है, बट हियर अगेन देयर आर राइबोसोम्स। एंड यू नो दैट इट इज सेल रेस्पिरेशन विच प्रोवाइड्स एनर्जी, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड रिमेंबर दैट अदर नेम इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। Why? Because it produce energy. तो कैसे एनर्जी मिलती है? You have studied in class 7, इसी के बारे में बता रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। विच प्रोड्यूस एनर्जी। विच प्रोड्यूस एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, यू नो इन फोल्डिंग्स क्या फंक्शन है? इन फोल्डिंग्स का, इन फोल्डिंग्स इंक्रीज सरफेस एरिया। फॉर रेस्पिरेशन जो इन फोल्डिंग्स है क्या कर रही है? सरफेस एरिया बढ़ा रही है। इट मींस, लिख लो बेटा लिख लो, और बिंदो मिडल रो गर्ल्स, लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? न्यू थिंग्स है, नॉट दिस इज गिवन इन योर बुक्स। और डायग्राम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ जी, किसमें? मैम डीएनए मैम न्यूक्लियस में नहीं होता? डीएनए न्यूक्लियस में भी है, प्लास्टिड में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा। आई विल टेल यू द रीजन, आई विल आस्क फर्दर क्वेश्चंस, ठीक है? बट अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया कर ले जल्दी से एक पॉइंट, क्योंकि नाउ टेल मी, यहां मैं पूछ रही हूं आपसे, सेल ए हैज 100 इन फोल्डिंग्स। सेल ए माइटोकॉन्ड्रिया, सेल बी माइटोकॉन्ड्रिया, हैज 500 इन फोल्डिंग्स। ये मुझे हाथ खड़ा करके बताना, विच सेल इज मोर एक्टिव? लिखो क्वेश्चन और मुझे बताइए, विच सेल हैज इज मोर एक्टिव, मोर फंक्शनिंग? यस, रेज योर हैंड। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया है, कौन ज्यादा काम कर रहा है? विच सेल इज डूइंग मोर एक्टिविटीज, विच सेल इज मोर एक्टिव? बाकी के हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट ये पता होना चाहिए। यस, रेज योर हैंड्स और बिंदो की बारी है।
फतेह जोत और बिंदु। हाँ जी, इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्टिव है, सेल ए की सेल बी? मैम इन फोल्डिंग्स इनफोल्डिंग तो ठीक है, व्हाई वी सेल बी इट इज मोर एक्टिव, जल्दी से बता दो। मैम, बिकॉज माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो एनरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये नहीं, उससे एरोबिक। ठीक है, आपने आंसर ठीक दिया है। ठीक है, बैठ बेटा, बस लास्ट थिंग लिख लो, राइट ऑन एवरीबडी, सेल बी इज मोर एक्टिव, सेल बी इज मोर एक्टिव बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी। एज इट हैज, क्यों एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? एज इट हैज मोर सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, एज इट हैज मोर सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। और फिर फुल स्टॉप करके, द सेल्स विच आर मोर एक्टिव रिक्वायर मोर एनर्जी, सेल्स विच आर मोर एक्टिव रिक्वायर मोर एनर्जी। उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग्स भी ज्यादा होंगे। इज इट ओके? सो माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, लास्ट चीज, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, बट देयर आर, इन एडिशन टू न्यूक्लियस देयर आर टू अदर स्ट्रक्चर्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर डीएनए, बट इनका डीएनए जो है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स बनाता है, जो न्यूक्लियस है वो तो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, जबकि दिस डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल्स माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस ओनली, बट मोर अबाउट दिस वी विल डू लेटर ऑन। ठीक है, इज इट ओके? थोड़ा सा समझ में आया? डायग्राम ड्रॉ करो, अगर किसी का रह गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा डायग्राम बुक में नहीं मिलेगा बच्चों। बुक में थोड़ा मुश्किल, 3D पे बनता है ना, वो मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता। अच्छा, अब मुझे ना एक जल्दी से बताओ कि आज आपने डाटा हैंडलिंग की, समझ में आया कुछ? यस और नो, और बिंदु, हां जी, जिसके पास माइक है वो बताओ। कोई डाउट्स भी रहे, अभी आपको प्रॉब्लम्स रही, क्या आपने डाटा हैंडलिंग का चैप्टर कर लिया स्कूल में कि नहीं किया? कर लिया, कर कर लिया। पाई चार्ट कर लिया स्कूल में कि नहीं? रहे नहीं, पाई चार्ट नहीं अभी किया था, हिस्टोग्राम्स वाले किए अभी स्कूल में? नो, क्या किया अभी अभी उसमें, कौन किया? हाँ प्रोबेबिलिटी जी, पहले कर ली, ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम, बट समझ में आया पाई चार्ट का आपको बेटा? ठीक है, तो कोशिश करनी है, एक बार घर जाके दोबारा से रिवाइज कर लो, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। इज इट ओके? ठीक अभी है, ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कैनोनिकल जी बोलो। फंक्शंस ऑफ सर्कुलर डीएनए मैट्रिक्स एंड दैट राइबोसोम्स. क्या दोबारा से बताओ, क्या फंक्शंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स? Yes. बेटा डीएनए में ना इंफॉर्मेशन है, ब्लूप्रिंट है किसी का। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एक आपका, हम घर का क्या बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, कि क्या क्या बनना है, कहाँ कहाँ पे बनना है, वो ब्लूप्रिंट फिर हम लेबर को देते हैं कि इस तरह से बनाना है। तो लाइक वाइज दैट, वो जो घर का नक्शा है, ब्लूप्रिंट है, वो किसके पास है? डीएनए के पास है। देन डीएनए गिव दिस इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम्स कि भाई प्रोटीन, राइबोसोम ने तो प्रोटीन बनाना है, कैसे भी बना सकता है वो, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे बनाना है ना, तो उसको डीएनए इंफॉर्मेशन देता है कि अब ये प्रोटीन बनना है भाई, अब ये वाला प्रोटीन बना, देन राइबोसोम्स फॉर्म दैट प्रोटीन। इज इट मैट्रिक्स
साइटोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट? अगर हम देखें कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज फ्यू राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. और भी राइबोसोम्स होते हैं, आई विल टेल यू. ये जो राइबोसोम्स है साइटोप्लाज्म में, ये जगह जगह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के लिए प्रोटीन्स बना रहे हैं, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स है दे फॉर्म प्रोटीन्स ओनली फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. ओके मैम, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ओके मैट्रिक्स बेटा, जैसे जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में है, ऐसे माइटोकॉन हर ऑर्गेनेली में मैट्रिक्स है, क्योंकि जो रिएक्शन होंगे वो तो किसी चीज में होंगे ना, खाली जगह पे तो हो नहीं सकते. ओके मैम, थैंक बाय बाय. ठीक है यू मैम। स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय. ठीक है, जिसका रह गया है वो अपने फ्रेंड से देखो, बट डायग्राम जरूर बनाने. ठीक है, एनीथिंग, हु इज लेफ्ट? क्या मैं स्विच ऑफ कर दूं सिस्टम? कर लोगे? ओके.